Hey guys, so today we are going to study about the poem written by Amy Lowell. So she is American poet और इन्होंने बहुत सारे literary works दिए हैं और बहुत सारे poems present किए हैं. तो अब हम एक poem पढ़ने चल रहे हैं. ये 6th class की Oxford की book से हमने ली है. So here we go. It is only a little twig. Twig कहते हैं हम एक small branch of tree को, शाख को. विद अ ग्रीन बड एट द एंड. बड कहते हैं हम किसी भी अनओपन फ्लावर को जो कि अभी बना नहीं होता प्रॉपर से. बट इफ़ यू प्लांट इट एंड वाटर इट, इट इज़ ओनली अ लिटल ट्विग. ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रांच ऑफ ट्री है. विद अ ग्रीन बड एट द एंड, जिसकी एंड पर एक ग्रीन बर्ड है यानी कि अनओपन फ्लावर है. बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप इसको लगाओगे ज़मीन में, वाटर दोगे एंड सेट इट वेयर सन विल बी अबव इट, और इसको वहाँ सेट करोगे जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचेगी, इट विल ग्रो इनटू अ टॉल बुश. तो एक बहुत बड़ी ट्री में ये चेंज हो जाएगा. ये एक छोटा सा जो इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और ऐसी जगह पे सेट करोगे जहाँ पे सूरज की रोशनी पहुँचेंगी, इट विल ग्रो इन टू अ टॉल बुश. तो ये एक बहुत प्यारा बड़ा ट्री बन जाएगा. विद मैनी फ्लावर, जिसपे बहुत सारे फ्लावर्स होंगे. एंड लीव्स विच ट्रस्ट हिदर एंड धिदर स्पार्कलिंग, और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे फ्लावर्स बन जाएंगे, लीव्स बन जाएंगे जो कि चमकेंगे. ऐसा लगेगा जो कि चमकेंगे. इसमें एक्चुअली हम लोगों को इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री बताया गया है कि अगर हम एक ट्री लगाएंगे तो उससे कितने ज़्यादा यूज़फुल, मतलब यूज़ होगा. उसके फ्लावर्स आएंगे, उसके लीव्स आएंगे, वो बहुत ज़्यादा प्यारा शाइनिंग शाइनिंग रहेगा. स्पार्किंग मीन चमकना किसी भी चीज़ का. सो हेयर वी गो फॉर द सेकेंड स्टांसा. फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, इसकी रूट से फ्रेशनेस आएगी. एंड बीनीथ इट ग्रास ब्लैड्स, और इसके नीचे और इससे बहुत सारी ग्रास यानी कि बहुत सारी ग्रास उगेगी. विल बेंड एंड रिकवर देमसेल्फ, जो कि खुद को बेंड करेगी और खुद को एक नए तरीके से बनाएगी. एंड क्लैश वन अपॉन अनदर इन द बॉलिंग विंड, और एक दूसरे के साथ घूमेगी और ऐसे लगेगा जैसे कि एक विंड के साथ, जैसे कि इन कोई डांस कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही इनके लीव्स और सब कुछ इंजॉय करेंगे. इन द ब्लोइंग विंड, यानी कि जब तेज़ हवा चलेगी तो वो सारे एक साथ मिलकर घूमेंगे, इंजॉय करेंगे. तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टांजा की तरफ. बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आपने मेरे ट्विग यानी कि ब्रांच ऑफ ट्री को ले लिया. एंड थ्रो इट इन टू अ क्लोजेट, और एक क्लोज़ेट कहते हैं हम किसी भी एक कबर्ड का जो क्लोज़ेट यानी कि एक कैबिनेट होता है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी वेस्ट थिंग्स के लिए. अगर आपने मेरी ब्रांच ऑफ ट्री को ले लिया और फेंक दिया वहाँ पे, विथ माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स, और यूजलेस थिंग्स के साथ और माउस ट्रैप्स के साथ, इट विल श्रिल एंड वेस्ट. तो ये बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, जिस तरह वो सब यूजलेस है बिल्कुल वैसे ही ये भी हो जाएगा. एंड सम डे, और एक दिन, When you open the door, जब आप डोर खोलेंगे, you will think it is all twisted nail. आपको लगेगा जैसे ये कोई मुड़ी हुई अजीब सी नकारा सी यूजलेस सी चीज़ है. एंड स्वीप इट इन टू अ डस्टबिन, और फिर इसको डस्टबिन फेंक देंगे विथ अदर रबिश, बाकी सब रबिश मतलब यूजलेस थिंग्स के साथ. ये पूरी पोएम उन्होंने इसके लिए लिखी है ताकि हम लोग को अवेयरनेस मिले कि फ्लावर्स ट्रीज़ कितने इंपॉर्टेंट है. पहले उन्होंने बताया ट्रीज़ के क्या फ़ायदे होते हैं, हमें कहाँ पे ट्रीज़ लगाने चाहिए, और लास्ट आंसर में उन्होंने बताया अगर आप ऐसा सब नहीं करेंगे तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा.